तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्हाट्सअप है, एक एमएक्स प्लेयर है जिन्हें मैंने लॉक किया हुआ है 2019 के सबसे ज्यादा बेहतरीन और यूनिक लॉकर से। सपोज कीजिए आपके फोन को आपके हाथ से कोई ले लेता है और एमएक्स प्लेयर को ओपन करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही यहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कॉल आएगा हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपके फोन को आपको लौटा दे और कहे किसी का फोन है। बाई चांस अगर वो फोन को उठाने की कोशिश करेगा तो वापस से होम स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से। वापस से रीओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जितनी बार भी वो खोलेगा यहाँ पर अननोन नंबर से तुरंत कॉल आ जाएगा। मैसेज पे भी करेगा तो होम स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर फोन को डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है तो वापस से होम स्क्रीन पर ही पहुंच जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इस लॉक को आखिर ओपन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड कॉल का ऑप्शन है, इसको खींच के मैसेज पे ले जाना है, मैसेज से कॉल अटेंड पे ले जाना है। और जैसे यहाँ पे आप ले जाएंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। स्क्रीन लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा पूरी तरह से और आप अपने एमएक्स प्लेयर का आनंद ले सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा यूनिक और कमाल का ऐप है। तो चलिए बता देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस लॉक का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप प्ले स्टोर पर ना जाना चाहें तो। तो थोड़ा सा और इसको स्लाइड कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लॉक है जिसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल, जिसे मैंने इंस्टॉल किया है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक बार और आपको इसकी सेटिंग समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पर आपको दिखाकर। तो यहाँ पर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करके मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ये यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। केवल 4 MB का ये एप्लीकेशन है और बहुत जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे सिंपली ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कोई भी एक पासवर्ड डाल देना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये वाला पासवर्ड। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है प्लीज एंटर अगेन। तो यहाँ पर हम फिर से ये पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पर कर देंगे ओके। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो यहाँ डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी जगह डाल देता हूँ यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा 1 2 3 4 5 6 ओके। इसके बाद मैं इसको राइट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी चीज पे आप लॉक लगाना चाहते हैं उस पर टिक कर दीजिए, जिस पर नहीं लगाना चाहते उसको अनटिक रहने दीजिए और यहाँ पर आप लॉक पर क्लिक कर दीजिए। लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, इस पर आपको फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन और खुल गए। यहाँ पर ऑथराइज प्राइवेसी लॉक परमिशन मांग रहा है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्स विद यूजेज एक्सेस यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर अभी लोडिंग हो रही है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर प्राइवेसी लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिट यूजिंग एक्सेस आ गया है, इसको यहाँ से आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको इसको बैक करना है, एक बार और बैक कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो स्टार्ट पर यहाँ पर आपको ये आपका प्राइवेसी लॉक मिल जाएगा, यहाँ पर इसे आपको ऑन कर देना है जिससे कि ये ऑटोमेटिक लॉक ऑन रहे, यानी कि बैकग्राउंड में ये ऑटोमेटिक हर बार रनिंग में रहे जिससे कि आपका लॉक परमानेंट आपकी जिन चीज़ों पर आपने लगाया है वो चलता रहे। और यहाँ पर आ गया प्राइवेसी लॉक, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे देखिए फिनिश का ऑप्शन है, मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। फिनिश करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐप कवर, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है अननोन कॉलर, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये अनलॉक होगा, इस तरीके से ही होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसे सिंपली इनेबल कर देना है। और इनेबल करते ही आपका जो लॉक है वो तैयार है, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके एक बार। एमएक्स प्लेयर को मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अननोन नंबर से कॉल आ गया है तुरंत ही। तो आशा करता हूँ मेरा आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।